Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. And आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो कि रिलेटेड है एक्ने से. ना मुझे कुछ टाइम से एक्ने की प्रॉब्लम हो रही थी एंड इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ एक नया प्रोडक्ट ट्राई करूँ क्योंकि पहले मैंने जितने भी प्रोडक्ट ट्राई किया था वो मुझे एक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया था विच आई एक्सपेक्टेड. सो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ एक नया ब्रांड ट्राई करूं एंड दिस टाइम मैंने ट्राई किया है प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड क्लोविया. नाउ क्लोविया ब्रांड के बारे में तो आप सभी फेमिलियर है बट क्लोविया का स्किन केयर प्रोडक्ट भी है ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है. सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून विद मी. चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले प्रोडक्ट्स दिखा दूं. ठीक है. सो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला प्रोडक्ट. सो ये है क्लोविया बोटानिका एंटी एक्ने फेस वॉश. नाउ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है लेमन, कैमोमाइल ऑयल एंड विटामिन ई. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाला. सो ये है एक फेस मास्क, क्लोविया बोटानिका एंटी एक्ने फेस मास्क. इसमें है मुल्तानी मिट्टी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी टू एंड द लास्ट वन इज दिस वन. सो ये है एक सीरम. सो ये है क्लोविया बोटानिका का एंटी एक्ने फेस सीरम एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है टी ट्री ऑयल, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, एलोवेरा. ये जो प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही ज्यादा स्किन पे जेंटल है. मैं इस प्रोडक्ट्स को कुछ हफ्तों से यूज कर रही हूँ. कभी कभी कुछ प्रोडक्ट यूज करने से आपकी स्किन पे जलन महसूस होती है बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है और बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं. कोई भी हार्श केमिकल इसमें यूज नहीं हुआ है. आप सभी को पता है कि टी ट्री ऑयल जो होता है वो किसी भी काइंड ऑफ बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है एंड क्योंकि इस प्रोडक्ट में वो है सो इस वजह से एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो मतलब बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाती है. जब मुझे एक्ने होना स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया एंड मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा इसका. स्लोली मेरे एक्ने की प्रॉब्लम बिल्कुल चली गई एंड एज यू कैन सी मुझे अभी स्किन पे कोई भी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है. हार्मफुल केमिकल, सल्फेट, पैराबेन या फिर टॉक्सिक ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है जो स्किन पे कुछ भी बैड इफेक्ट करे. बहुत ही ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स. तो चलिए झट से देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेस वॉश से एंड आपको आपकी स्किन पे फेस वॉश को अच्छे से अप्लाई करना है. थोड़ा सा ही क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है. ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे लाइक ग्लैदर हो जाएगा. सर्कुलर मोशन में आपको इसे अप्लाई करना है. वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से और इसको आप पैड ड्राई कर लीजिए. इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली क्लीन करने में मदद करता है. आपकी स्किन पे जो नेचुरल ऑयल बैलेंस है उसे भी मेंटेन रखता है. नेक्स्ट स्टेप पे हम यूज करेंगे फेस मास्क. नाउ इस फेस पैक को आपको अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लेना है. आई एरिया को अवॉइड कीजिएगा, 10 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद जब ड्राई हो जाए कम्प्लीटली उसके बाद इसे आप थोड़ा सा गुनगुने पानी से वॉश कर लो और पैड ड्राई कर लो एक सॉफ्ट टॉवल से. नाउ इसमें जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपकी स्किन से जो इम्प्योरिटीज है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको अब्सॉर्ब करता है और आपके पोर्स को अनक्लॉक करता है. ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है. इसमें जो विटामिन सी है वो आपके डार्क स्पॉट को लाइट करता है और आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है. ये आपकी स्किन को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को ग्लोई और रेडियंट बनाता है. विटामिन ई जो इसमें है ये आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दियर बनाता है. आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है. विटामिन B3 आपकी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है, एक्ने से भी प्रिवेंट करता है. विटामिन B2 आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी लुक प्रोवाइड करता है और नरिश, हेल्दी एंड यंग लुकिंग बनाता है. लास्ट स्टेप पे हम अप्लाई करेंगे ये फेस सीरम एंड इसे आप एवरी डे और नाइट यूज कर सकते हो अपने फेस और नेक पे. आपको इसे ड्रॉपर की मदद से जो है अपने स्किन पे अप्लाई करना है और अच्छे से अप्लाई करना जब तक ये स्किन पे अब्सॉर्ब ना हो जाए अच्छे से. ये आपकी एक्ने स्कार को लाइट करता है और एक्ने बिल्डअप होने से भी ये प्रिवेंट करता है. एक्ने कॉजिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं ना तो उनको वो किल कर देता है. तो जब से मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया है मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दियर हो गई है. एक्ने की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है अभी.
ये फेस वॉश 120 ml का है एंड इसका प्राइस है 330 rupees। एंटी एक्ने मास्क जो है ये 50 ग्राम का है एंड इसका MRP है 399 rupees। और ये एंटी एक्ने फेस सीरम जो है ये 30 ml का है एंड इसका MRP है 699 rupees। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट करके वहां से परचेज कर सकते हो। आई विल रियली सजेस्ट यू गाइज कि अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो इन प्रोडक्ट को ट्राई करके देखो, यू विल नॉट फील रिग्रेटेड। एंड ऑल्सो इफ यू गाइज आर ट्राइंग दिस प्रोडक्ट देन टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड लेट मी नो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।